जहां लगातार सुइसाइड की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं, वहीं इसी बीच गैंगरेप का एक ऐसा दरिंदगी भरा केस सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन के बीच भी हड़कंप मचा दी। नमस्कार, मैं दीदी फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी मीडिया। कोटा में हरियाणा के गुड़गांव की रहने वाली नाबालिग मीट गर्ल्स कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ गैंगरेप की घटना का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कोचिंग स्टूडेंट्स ने इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी को पुलिस ने डिटेन करते हुए अब गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पीड़िता की रिपोर्ट के पर पुलिस ने गैंगरेप और पॉस्को एक्ट में केस को दर्ज कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी उमा शर्मा ने बताया कि फिलहाल कार्रवाई जारी है। ये मामला 10 फरवरी का है। घटना के बाद छात्रा ने 13 फरवरी को थाने पर आकर जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए सबसे पहले पीड़िता का मेडिकल कराया। पीड़िता छात्र आरोपी में से एक लड़के को जानती थी। उस लड़के से इसकी सोशल मीडिया पर पहचान हुई थी और कुछ समय के बाद ऐसा अच्छे संपर्क बन गए कि पीड़िता उनके फ्लैट पर एक दिन गई, जहां पर कुछ लड़कों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने बताया कि आरोपी लड़के भी कोटा के बाहर के हैं। ये बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के हैं। बीते एक दो साल से यहाँ पर कोचिंग कर रहे थे। वहीं पीड़िता की उम्र 17 वर्ष है, जो मूल रूप से हरियाणा के गुड़गांव की निवासी है और वर्तमान में कोटा आकर कोचिंग कर रही थी। जिस फ्लैट पर घटना हुई वो आरोपी का ही फ्लैट है। आगे उन्होंने बताया कि नाबालिग छात्र कोटा में रहकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। इस मामले में पारंपरिक तौर पर 4 स्टूडेंट्स के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और अब इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा भी किया जाएगा। एसपी ने कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते आरोपियों का नाम और कोचिंग का नाम अभी तक नहीं बताया जा सकता। ये पूरी घटनाक्रम कुनहाड़ी थाना क्षेत्र के लैंडमार्क में इलाके से जुड़ी हुई है। पुलिस ने कहा कि छात्रा घटना के बाद से तनाव में थी। उसने अपनी फ्रेंड से बातचीत की। इसके बाद जानकारी दी जा रही है कि छात्रा की काउंसलिंग भी की गई थी, उसके बाद ही पुलिस तक इस मामले को लाया गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।